हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ, बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ चुकी हो आप सभी के बीच एक और एक नई जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है ना, आपकी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कराई जाएगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी 12 पास आउट कैंडिडेट है सभी के लिए वैकेंसी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में इस पोस्ट के रिगार्डिंग बताने वाली हूं कि क्या पोस्ट आया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या रहेंगे, एग्जाम की पैटर्न, मतलब कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की न्यू वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कराई जाएगी। अब टोटल पोस्ट इस बार कितना रहेगा, टोटल पोस्ट आपका 4853, मतलब 5000 के अप्रॉक्स सीट्स पर वैकेंसी आएगी। मेल के लिए आपका है 3398 सीट और फीमेल्स के लिए 1455, मतलब 1455 फीमेल्स के लिए, मेल के लिए 3398 सीट। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एज लिमिट जो आपका रहेगा एज ऑन 1 जुलाई 2024, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स, मतलब 18 से 25 वर्ष के जो भी कैंडिडेट होंगे सभी इलिजिबल रहने वाले हैं। एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का। और जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो कुछ फी भी लिया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। जनरल OBC EWS फॉर्म चार्ज 100 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो, ऑल इंडिया के कोई भी फीमेल कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब रही बात की क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपली जिन्होंने 12 पास कर रखा है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर आर्ट, साइंस या कॉमर्स है, क्या परसेंटेज है, आप सभी इलिजिबल रहोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ये जो सिर्फ 12 पास आउट की रिक्वायरमेंट है ये फीमेल्स के लिए है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल, दोनों में से कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो जितना जल्दी हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दो। सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी बहुत ही सिंपल है। आपका सिलेक्शन 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद होगा। फर्स्ट स्टेज पे ऑनलाइन CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। उसके बाद PET एंड PMT, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। आपका शारीरिक क्षमता क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है, वो सब यहाँ पर देखा जाएगा। उसको क्वालिफाई करोगे तो आपका होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सिंपल सा मेडिकल, और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन उसमें क्या आप करेगा, कितना क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट वाइज चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होता है ना उसमें 100 क्वेश्चंस रहता है 100 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। टाइम 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब 0.25 डिडक्ट करा जाएगा आपका एक गलत आंसर के ऊपर। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो जो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा जनरल नॉलेज का रहेगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को कंबाइन करके आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मतलब 100 में से 50 तो आपका जनरल नॉलेज का हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, एंड लास्टली कंप्यूटर से रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, इसमें क्वालिफाई करोगे। देन आपका सेकेंड स्टेज पे फिजिकल होता है। तो आइए अब हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका होगा क्या, PMT होता है, मतलब आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है उसमें हाइट की मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट का मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम 158 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 to 85 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपका PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। रनिंग में मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है।
सेम फीमेल्स के लिए भी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि उनको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपका हाई जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट का और फीमेल्स के लिए 10 फीट का। देन लॉन्ग जंप होता है मेल के लिए 3 फीट 9 इंच का और फीमेल्स के लिए 3 फीट का। सो दिस इज योर फिजिकल क्राइटेरिया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पर भी इससे रिलेटेड या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट स्टेज पे एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद डीवी और मेडिकल। आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर उसके बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आई है रिक्रूटमेंट, तो दिल्ली में ही सर्व करना पड़ेगा। सर्व करोगे तो क्या सैलरी मिलेगी? स्टार्टिंग सैलरी होती है 21,700 रुपीज से, एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपका जो सैलरी हो जाता है 69,100 रुपीज हो जाता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। आपने देखा है कि 5,000 के अप्रोक्स सीट्स है, और हाल फिलहाल में आपको अभी इसका एग्जाम भी कंडक्ट किया गया था जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी। तो कोशिश ये करना है कि जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर, और मॉडल सेट लगाते रहिएगा। उससे क्या होगा कि आपका क्या तैयारी आपने कर रखा है, कहाँ पे छूट रहा है, वो सब आपको पता चलते रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपका अप्लाई कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म का। तो आपका ये फॉर्म अगस्त 2024 में हर हाल में आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समय आपको आपके पास अभी है। अब आप ये सोचोगे कि मैं अभी ही आपको इसके बारे में क्यों नोटिफाई कर रही हूँ। ये बताने का मेन मोटिव ये होता है कि आप अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर दो, ताकि जब ये फॉर्म ऑनलाइन हो उस समय आपको सोचना ना पड़े। और सेकेंड चीज कि आपने देखा कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो एट अ टाइम तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाओगे, इसलिए अभी ऐसे अप्लाई कर दो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तैयारी भी शुरू कर दो, ताकि जब अगस्त में फॉर्म ऑनलाइन होगा तो उसके 1-2 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा, तो उस समय तक तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और मैंने आज जो भी आपको डिटेल बताया आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करिएगा। अदरवाइज इन सभी जो जॉब रिक्रूटमेंट का मैं आपको बताती हूँ डिटेल, उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए हो या उसके रिलेटेड कोई डिटेल, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहां पर फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके जाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो आप, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।